तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 खत्म हो गया और भारत ने अच्छी तरह से बांग्लादेश को धोया। और जैसे कि मैच की शुरुआत हुई थी, उस हिसाब से लग रहा था कि इंडिया इतना बड़ा टोटल नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद जैसा इंडिया ने कमबैक किया, खासकर नितिश रेड्डी और रिंकू सिंह ने जो बैटिंग की वो काबिले तारीफ थी। तो बहुत ही अच्छा T20 रहा। तो आइए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं, जब भी कोई भी मैच होता है, इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ मैच होता है, चाहे पाकिस्तान हो या जो भी कोई कंट्री हो, उसके मैच के बाद जो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन होता है वो देखने वाला होता है। तो थोड़ा फनी रिएक्शन होगा, बढ़िया रिएक्शन होगा, देखने वाला होगा कि पाकिस्तान के लोग ये वाला T20 देखने के बाद क्या बोलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, देखते हैं रिएक्शन वीडियो पाकिस्तान के लोगों का इस T20 के बाद का रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं शुरू, ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ के साथ कमेंट जरूर कर देना। चलो ये वीडियो करते हैं शुरू, पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड T20 के बाद का। मुझे एक बात बता दें, अगर आपको कमी महसूस हुई है विराट कोहली की या रोहित शर्मा की कहीं भी, तो आप मुझे बता दें, उनके जो यंगस्टर प्लेयर्स आए हैं अभी, हमने वो रेडी को देखा है, वो हर टाइम रेडी है। अच्छा। वो हर टाइम उसको क्रिकेट के लिए दीवाना है और वो रेडी है। वो कहता है मुझे, जब मैं सोया हूँ मुझे उठा दे, मैं खेल के दिखाऊंगा। कोई यादव आ गया अभी, ये पिछले मैच में उसने अपना डेब्यू किया है, बिल्कुल यंगस्टर प्लेयर है और उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसको मैं कारनामा ही कहूंगा। टी ट्वेंटी जैसे मैच में जहाँ पे एक एक बॉल की कीमत होती है, उसने अपना पहला मैच, पहला जो ओवर फेंका है वो 150 के राउंड बॉल रफ्तार से फेंका है। अच्छा। और वो मेडन ओवर किया है उस रिसेंटली, जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का हमारी होम सीरीज हुई है, दो जो टेस्ट मैच हुए हैं, उसने इतना बड़ा हमें क्लीन स्वीप करके गए यहाँ से बांग्लादेश वाले। इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट और T20 है, इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर पे टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने बहुत बुरी तरह से हराया था। इसलिए पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं उनकी तरफ, और उनकी इंडिया की तरफ नज़र बनी हुई है कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश को एक आधा मैच हरा दे तो हमें थोड़ी सी दिल को सुकून मिले। इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भारत एक आधा मैच T20 हार जाए, लेकिन भारत बांग्लादेश के लिए भारत को हराना बहुत बड़ी बात है, वो तो कभी सपने में भी नहीं हरा सकता। मुझे लगता है जिस हिसाब से इंडिया इस समय T20 खेल रही है, नंबर 9 तक बैटिंग है यार, अर्शदीप ने आकर के एक पहली बॉल पे ही छक्का लगा दिया, तो क्या हाल होगा बाकी का। चलो जी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से वो चलेंगे इंडिया, इंडिया जाके वो खुद व्हाइट वॉश हो गए। रिंकू ने 53 किया, सॉरी मिस्टेक हो गई है। अच्छा। लेकिन वो भी एक इतना अच्छा प्लेयर है, वो हर पॉइंट पे खेलने के लिए, हर जगह पे खेलने के लिए वो तैयार होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, बड़ी बात है, खुशी वाली बात है। हमारे स्टेडियम देखो, यहाँ पे वहाँ पे वॉशरूम अच्छे नहीं है यार, इंटरनेशनल टीमें आती हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज चल रही है। पहला मैच इंडिया जीता, अब दूसरा भी जीत गया, यानी कि सीरीज ही जीत गया। और इससे पहले टेस्ट सीरीज चल रही थी जो कि इंडिया जीता। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि इस टाइम इंडिया की टीम में यंगस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया बांग्लादेश के मैच के ऊपर क्या ओपिनियन देती है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? चले ठीक हो गया है। बांग्लादेश और इंडिया T20 आज मैच था, सीरीज जीत गया इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? 221 स्कोर बनाया और 222 का टारगेट दिया। देखिए जैसे, सबसे पहले तो एक बात करना चाहूँ, कहाँ पे इंडिया की टीम और कहाँ पे बांग्लादेश, सबसे पहले इनका कंपैरिजन कहीं भी नहीं बनता। नहीं इधर देखे ना, नहीं, मेरी एक बात सुने, मेरी पर थोड़ी कंप्लीट हो भाई। देखे पहले हम ये कह सकते थे कि भाई मुकाबला नहीं बनता, कि भाई वहाँ पे विराट कोहली है, इसके अलावा रोहित शर्मा है। मुझे एक बात बता दें, अगर आपको कमी महसूस हुई है विराट कोहली की या रोहित शर्मा की कहीं भी, तो आप मुझे बता दें, उनके जो यंगस्टर प्लेयर्स आए हैं अभी, हमने वो रेडी को देखा है, हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, वो किसी की कमी महसूस होनी नहीं देंगे। अभी यहाँ पर बुमराह की भी बात नहीं हो रही है, बुमराह जब आएंगे T20 में तब देखना। तो इंडियन सीमर्स ने, तेज गेंदबाजों ने बुमराह की भी कमी महसूस नहीं होने दी। रोहित और विराट को तो भूल जाइए, वो तो बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होने दी। जैसे
39 पे 3 विकेट हो गए थे, लगता नहीं था कि इंडिया 120 30 या 150 तक बना पाएगा, लेकिन इतना अच्छा रिकवर किया इंडिया ने और इतना अच्छा तरह से धोया। पहले तो रिंकू और नीतीश रेड्डी ने थोड़ी सी पार्टनरशिप की, 2-3 ओवर देख करके खेला, उसके बाद भैया जो पिटाई की है वो काबिले तारीफ थी। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। टाइम रेडी है तो हर टाइम उसको क्रिकेट के लिए दीवाना है और वो रेडी है, वो कहता मुझे जब मैं सोया हूँ मुझे उठा दे मैं खेल के क्रिकेट के लिए रेडी हूँ। क्रिकेट की तरह रेडी है, दोनों प्लेयर टीम की जान थे, हड्डी थे, वो नहीं भी है तो टीम उनकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रनिंग में खेल रही है और बड़ा अच्छा परफॉर्म। देखिए सूर्य कुमार यादव उनका कैप्टन, उसने कहां पे आपको लूज पॉइंट दिया है कि आपको कहीं नजर आया हो कैप्टन? अब देखिए एक बात होती है, रोहित जिस तरह कोहली जिस लेवल का प्लेयर है उसने उसको आगे सिखाया है, जो बहुत से ममालिक इस तरह की कंडीशन में नहीं है वो आगे से लर्न कर सिखाते नहीं है लोगों को, नए खिलाड़ी आगे परफॉर्म नहीं। जी 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 चोरी साहब, फर्स्ट जो उनका T20 हुआ ना उनमें देखें कि 127 स्कोर में आई थिंक उन लोगों ने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, आउट कर दिया, ठीक है ऐसे ही है। हाँ। तो जब वो बैटिंग पे आए हैं, ठीक है, 11 ओवरों में पूरे मैच को साइड पे लगा दिया, साइड पे लगा दिया। इसमें ये इसमें तकरीबन इंडिया की टीम में तकरीबन जो है यंगस्टर ही हैं, बच्चे ऑलमोस्ट इतने ही हैं, जवान जनरेशन है उधर की। अच्छा अभी देखिए अभी जो बड़े जोश से खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव जो उनसे उनके कैप्टन है, लेकिन एक और यादव भी है, एक और यादव आ गए बॉलर, ये पिछले मैच में उसने अपना डेब्यू किया है, बिल्कुल यंगस्टर प्लेयर है और उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया जिसको मैं कारनामा ही कहूंगा। T20 जैसे मैच में जहाँ पे एक एक बॉल की कीमत होती है, उसने अपना पहला मैच, पहला जो ओवर फेंका है वो 150 के राउंड बॉल रफ्तार से फेंका है। अच्छा। और वो मेडन ओवर किया है उसने, क्या बात है, ये क्या बहुत बात है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी क्रिकेटर के लिए। अच्छा। मैं किसी इंडिया की यहाँ पे तारीफ नहीं, मैं एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें जैसे वो आए हैं और अपने पहले ही मैच में डेब्यू में जिस तरीके से परफॉर्म किया है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे इन्होंने रेडी, वो हर टाइम ही रेडी रहते हैं, इस मैच में भी उन्होंने 73 स्कोर किया और 200 प्लस की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर किया। क्या समझते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान रैली को देखकर ये लगता नहीं था कि वो अपना सिर्फ दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, भैया बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया उस लड़के ने, और जिस हिसाब से उसने बाउंड्री पार स्कोर मारे हैं, छक्के मारे हैं, वो यार देखने लायक थे, बहुत ही बढ़िया यार। ये पाकिस्तान वाले जो लोग हैं ना, जो रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने भाई हैं, वैसे पाकिस्तान अपना किसी टाइम अपने ही मुल्क का हिस्सा होता था, ये जो भाई हैं बिल्कुल सही रिएक्शन दे रहे हैं, टू बी फेयर बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं। पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे, इस टाइम क्या कंपैरिजन लग रहा है आगे अगर हम देखें बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन? जो साहब देखें रिसेंटली जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का हमारी होम सीरीज हुई है, दो जो टेस्ट मैच हुए हैं, ठीक है, उसने इतना बड़ा हमें क्लीन स्वीप करके गए यहाँ से बांग्लादेश वाले यहाँ से वो चलेंगे इंडिया, इंडिया जाके वो खुद व्हाइट वॉश हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इनको रैंक दूं ना कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, तो ये बिल्कुल क्लियर बात नजर आ रही है कि पहले पे आपको इंडिया नजर आ रहा है, दूसरे पे मैं बांग्लादेश को कहूंगा, तीसरे पे आप उसे पाकिस्तान को लेके आएंगे। तो इधर तो फिर ये देखिए एक और बात है, हमारे यहाँ पे जो जितने भी कैप्टन है, अब ये अपना क्या नाम है उनका, बाबर आजम साहब है, उन्होंने अपने कैप्टन से इस्तीफा दे दिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे वो इस तरह की चीजें चल रही है, हमारे मुल्क में कैसे आगे निकलना, किसी का फोकस ही नहीं है यार। हमारे स्टेडियम देख लें, लाइक हमारे जो गली मोहल्ले हमारी सोसाइटी में जो छोटे छोटे ग्राउंड्स बने हुए हैं, लाइक वहाँ पे बारिश वगैरह आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है खेलने के लिए, बच्चे हमारे जो आजकल की जनरेशन है ये रनिंग के साथ इस गेम में आगे जाए, ठीक है, मुल्क का नाम रोशन करें, तो यार जब इनको अच्छी चीजें बना के देंगे अच्छा पार्क मिलेगा। अभी हम कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, बड़ी बात है, खुशी वाली बात है। हमारे स्टेडियम देखो यहाँ पे, वहाँ पे वॉशरूम अच्छे नहीं है यार, इंटरनेशनल टीमें आती है, वो क्या पैंपर पहने, वही चीज है ना कि यार जरा हमारे मुल्क की तरफ फोकस करें, ठीक है, किसी किस्म का फोकस नहीं है, थोड़ा आप हमारे स्टेडियम के ऊपर ख्याल किया जाए, लाइक बच्चों को गाइड किया जाए कि बेटा मुल्क का नाम रोशन करना है, कि ये काम करो कुछ बेहतर करो, मेरी यही हम कहते हैं टैलेंट बड़ा है, जज्बा बड़ा है, कम से कम क्रिकेट में ही दिखा दे। अच्छा आप एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी उनके इतने इतने शानदार प्लेयर आए, अभी उनके
ये रिंकू सिंह जो आया उसने अभी 34 बॉलों पे 74 की है। ठीक है, नहीं रिंकू सिंह ने 34 पे 74 नहीं, वो तो रेडी ने की है ना। लेकिन वो रिंकू भी सॉरी रिंकू ने भी 50 प्लस की है, रिंकू ने 53 किया, सॉरी मिस्टेक हो गई है। अच्छा। लेकिन वो भी इतना अच्छा प्लेयर है, वो हर पॉइंट पे खेलने के लिए, हर जगह पे खेलने के लिए वो तैयार होते हैं। ठीक है, ये भाई ने एक बात की है कि हमारे बच्चों में, ये मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट का ऊपर लेके आना ना, क्रिकेट को या किसी भी गेम को ऊपर लेके आना ना, वो मेरिट कहाँ से निकलेगा? आपके स्कूल लेवल से निकलेगा। आपके कहाँ पे स्कूल्स में आपको ये क्रिकेट सिखाई जा रही है? इस बच्चे से पूछ ले आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, उसको क्रिकेट की तरफ लेके जाए। अर्शद नदीम की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पूरी दुनिया में नाम करके आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं गोल्डन भाई क्या समझते हैं आने वाले टाइम में? जाहिर बात है कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीनों बाद इंडिया पाकिस्तान का भी टाकरा होना है, तो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा गया घर में आके, तो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा हुआ तो फिर वो हराएगा नहीं, वो दुड़ाएगा इनको। और वो क्लियर अबल तो मैच, यहाँ पे लोग मैच में बहुत ज्यादा इतनी दिलचस्पी लेते नहीं है, और उसके अलावा अगर लेंगे भी तो लोग कहेंगे यार ये वन साइडेड मैच है, इसको देख ले जल्दी देख ले, इसमें भी देखना फिर हमने नहीं, वो इंटरेस्टेड मैंने देख ही नहीं रहा जो 10-15 साल पहले जो इंटरेस्टेड मैंने लोग देखे हैं। कारोबार बंद हो गए हैं, लोग घरों में चले गए हैं, सिर्फ टीवी के आगे बैठ गए हैं, कोई बाजार नहीं जा रहा, वो माहौल कहाँ पे हम बच्चों को दे रहे हैं? वो पाकिस्तान की टीम वो कहाँ पे चली गई है? कहीं खो गई है। तो हुक्मरानों से सिर्फ एक ही अपील है, इसको अपना घर समझो। ठीक है, हम बहन भाई हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी बेहतर, यहाँ पे तकरीबन यार क्रिकेट क्यों, हर एक चीज आपके मुल्क में अच्छी होनी चाहिए। बाहर से टूरिस्ट आए वो कहें यार क्या कमाल पाकिस्तान है, हम बाहर जा रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के, पता नहीं कितनी आबादी बाहर गई है, डंकियां लगा लगा के पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हों कि हमें जरूरत ही ना पड़े बाहर जाने की। ठीक है, हमारे हुक्मरानों से मैं यही कहता हूँ कि सर आपके आगे अपील है, हाथ जोड़ के सर ठीक है अपना घर समझो। अच्छा, अच्छे से ये तो अगर हम अभी बात करें ना, इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ, सीरीज हुई, इंडिया जीत गया। ठीक है, मुझे ओवरऑल बताएं इस टाइम क्रिकेट में इंडिया कहाँ पे है, किस जगह पे स्टैंड करता है, क्योंकि उनके तो जे अगर उनकी बात करें वो जितना पाकिस्तानियों के पास दिमाग है ना, इनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा। इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ठीक है, डरते हैं कुछ करने से पहले, क्या हालात नहीं है, कारोबार नहीं है। इंडिया के जो क्रिकेट के सेक्रेटरी हैं जे शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो उनसे इसका होता है वो संभालेंगे कुछ ही महीनों के बाद, क्या कहेंगे वो तो समझ ले, पूरी दुनिया की क्रिकेट इस टाइम इंडिया के हाथ में है। आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने सीईओज हैं वो इंडिया के हैं। उसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे, हमारे जो आईसीसी के चेयरमैन थे जहीराबाद साहब, जिस दौर में, उस दौर में भी हमारे मुल्क की जो क्रिकेट थी ना कुछ बेहतर थी। अभी आप बात कर लें क्रिकेट, अब कैप्टन जो हमारे वो इस्तीफा दे रहे हैं, अब नया बंदा आके जब कैप्टन पे आएगा तो वो कम से कम 10-15 मैचेस खेलेगा, इसको देखेगा, फिर उसका जो तजर्बा है वो कैप्टन की तरफ जाता है। अब ये कैप्टन रिजाइन दे रहा है तो नया कैप्टन आएगा तो आप क्या लेंगे उसको, किधर जाएंगे? क्या करेंगे? ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई जान? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान है जी। ये भाई हैं इधर, ये बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, इसके अलावा रेडी, नो डाउट, बड़ा अच्छा रेडी, वेरी बिग प्लेयर रेडी, हर टाइम रेडी, उसका एक चीज बन गया, उसका नाम बन गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अपना चेयरमैन चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चेयरमैन क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, स्टेडियम पे काम कर रहे हैं लेकिन ये है कि क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। जैसे जो हमारे एक्स बीसीबी चेयरमैन थे रमीज राजा साहब वो अच्छे से, इनको क्रिकेट की नॉलेज थी, उनको पता है कैसे लेके चलना टीम को। ठीक है, और अच्छा अगर इंडिया आगे जा रहा है क्रिकेट में, क्रिकेट की ओवरऑल अभी इससे हम बात कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? उनकी मैनेजमेंट है, उनकी टीम वर्क है, क्या वजह है? उनका टीम वर्क भी, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत करती है। अच्छा, पाकिस्तानी लोग हैं वो टीम को एनालाइज तो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जो हमारा पीसीबी चेयरमैन है उसके अंदर है, हमारे पास सिफारशी बहुत प्लेयर चल रहे हैं। ठीक हो गया। आप क्या लास्ट में गोल्डन भाई कहना चाहेंगे? इधर मैं भी अपनी ओपिनियन ऐड करना चाहूंगा कि यार देखें, हमें थोड़ी सी हैरत होती है कि आखिर क्या वजह है, एक टीम मतलब पाकिस्तान में ये भी तासुर दिया जाता है कि भाई इंडिया जो उनसे बड़ा कंट्री है, इकॉनमी बड़ी है उनका, जो उनसे अगर बात करें इंडिया का क्रिकेट बोर्ड वो बहुत बड़ा है, पैसे बहुत है तो वो खरीद लेते हैं टीम को। लेकिन ऐसा ही क्या कि बांग्लादेश को भी खरीद लिया, पाकिस्तान को भी खरीद लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी खरीद लिया, जिस टीम के साथ भी मैच खेलते हैं ऑलमोस्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये लास्ट साल में, ये जो पूरा साल गुजरा है, कितने मैचेस इंडिया या कितने सीरीज इंडिया हारा है, कितने सीरीज इंडिया जीता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इवन वर्ल्ड कप जीता T20 का, इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंटली बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई वो जीता, पाकिस्तान की भी इस टाइम सीरीज चल रही है पाकिस्तान एक इंग्लैंड के साथ, लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ चल रही है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ये थी आज की वीडियो, आपको गोल्डन भाई की बातें, इन भाई की बातें।
तो दोस्तों ये थी रिएक्शन वीडियो इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के सेकंड T20 के बाद की, पाकिस्तान के लोगों की। क्रिकेट के साथ इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये रिएक्शन वीडियो आपको दिखाई। पाकिस्तान की जो टीम का जो लेवल है थोड़ा डाउन होता जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लोग थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी रिएक्शन वीडियो लेकर के, खासकर स्पोर्ट्स और क्रिकेट पर लेकर के और भी वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे। तो नई अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी आगे जो वीडियो आएंगे उसको हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।